बाद में शोगो साइको को बताता है जिनबो अपने हिसाब से ताकू की चिंता करती है, बट वो बहुत क्लमजी है। ताकू ने तुम्हें उनके बारे में क्या बताया? साइको बताती है ताकू मिस्ट्रेस का बेटा है, उसकी मदर की डेथ के बाद जिनबो ने उसे अपनाया। शोगो एग्री करके कहता है उसकी मदर ने कहा था कि वो उसे खुद ही पालेगी, उन्होंने जिनबो की हेल्प लेने से भी मना कर दिया और उन्होंने ताकू को मिस्टर जिनबो से मिलने तक नहीं दिया। मिस्टर जिनबो ने पहले तो उनकी विश की रिस्पेक्ट की, फिर उन्होंने कैमरा खरीदा और वो लॉस एंजलिस चले गए। उन्होंने दूर से ही उसकी सीक्रेट फोटो ली है और आज वो फोटो उनके वॉलेट में अब भी है। जब ताकू की मदर नहीं रही, मिस्टर जिनबो ने ताकू को बिना कहे ही अपना लिया। दोनों फैमिली में बहुत कलेश हुआ। अगर वो उससे प्यार नहीं करते तो ऐसा करते क्या वो? साइको कहती है मिसअंडरस्टैंडिंग से ज्यादा वो है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को समझ नहीं पाते, इसलिए बाप बेटे का रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बाद में साइको मिनेगावा से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। मिनेगावा अपने पेरेंट्स का रिलेशनशिप बताता है, तभी वहाँ किना आती है और अपना जॉब एक्सपीरियंस बताती है और बातों ही बातों में कांता के बारे में सब पूछते हैं। असादा बिना कुछ कहे मुंह बनाकर चली जाती है। मिनेगावा ये रिएक्शन देखकर सभी को बताता है असादा शायद कांता को पसंद करती है। सभी शॉक होते हैं। मिनेगावा बताता है एक्चुअली कांता किसी नई लड़की के ज्यादा करीब हो गया है। सभी सुनकर शॉक होते हैं और कांता का मजाक उड़ाते हैं। दूसरे दिन कांता जल्दी तैयार होकर चला जाता है। वो फोन पे किसी के साथ कैंपिंग की बात करता है। असादा ये सब बालकनी से देखती है, उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। यहाँ सभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बनाते हैं और असादा को नीचे बुलाने की सोचते हैं। तभी ग्रुप पे मैसेज आता है, साइको कीना और मारिन शॉक हो जाती हैं क्योंकि कांता ने ग्रुप में फोटो के साथ ये भेजा है कि आज से ये मेरी गर्लफ्रेंड है। असादा चीखते चिल्लाते गुस्से में घर के बाहर चली जाती है। असादा कांता पे गुस्सा निकालती है और उसे भला बुरा कहती है। सभी वहाँ बैठ के उसकी बातें सुनते हैं। असादा बात बताते बताते खूब रोती है। सभी उसे सपोर्ट करते हैं बट साइको भी उसको सपोर्ट करने के लिए उसके साथ रो जाती है। बाद में कांता कैंपिंग से खुशी से घर लौटता है। मिनेगावा उसे चाटा मारता है। कांता गिर कर कहता है तुमने मुझे क्यों मारा? मिनेगावा कहता है तुमने आज तो हद ही पार कर दी, असादा तुम्हें बहुत पसंद करती है, अगली बार थप्पड़ नहीं मुक्का भी मिलेगा। कांता शॉक में रहता है। यहाँ कॉलेज में मिनेगावा और साइको असादा का मूड रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं। तभी असादा कांता और उसकी गर्लफ्रेंड को एक साथ देखती है और उसे बहुत बुरा लगता है। साइको ये सब देखती है। बाद में असादा खाते खाते सभी को बताती है मैं शेयर हाउस छोड़ के जाना चाहती हूँ क्योंकि अब मैं वहाँ रुक नहीं सकती और ये शेयर हाउस के रूल के खिलाफ है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं बट असादा मना कर देती है। बाद में साइको सारी बात ताकू को बताकर कहती है शेयर हाउस में रहते हुए हम एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते, ये तो गलत रूल है। ताकू एग्री करता है। साइको कहती है ये गलत है, लोग घर में रहते हैं उनसे ज्यादा रूल्स इम्पोर्टेंट कैसे हो सकते हैं। वो जैसे ही शोगो के पास जाने को कहती है तभी ताकू उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है तुम इन सब में ज्यादा इन्वॉल्व मत हो नहीं तो मैटर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। साइको शॉक में कहती है क्या कहा तुमने? ताकू उसे बैठा कर कहता है तुम बैठ के अपना असाइनमेंट कंप्लीट करो, वैसे भी तुम इन सब में कुछ कर भी नहीं सकती। यहाँ मारिन और मिनेगावा असादा के घर से जाने की बात करते हैं। तभी कांता घर लौटकर गिरता है। वो उन दोनों को बताता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया। मिनेगावा कहता है तुमने हमारे एक्सपेक्टेशन को कभी फेल नहीं किया। मारिन खूब खुश होकर कहती है तुम एक हफ्ते तक डेट ही नहीं कर पाए। कांता बताता है सिर्फ 4 दिन डेट किया। मारिन और मिनेगावा खूब हंसकर उसका मजाक उड़ाते हैं। कांता बताता है उसने ये कहा कि तुम हमेशा कंस्ट्रक्शन को लेकर बात करते हो और उसने असादा के बारे में कुछ कहा, मैं नहीं जानता कि हुआ क्या। मिनेगावा बताता है तुम्हें उससे प्यार है। कांता शॉक हो जाता है और चला जाता है।